अगर मेरे किसी हिंदू भाई की तरफ, चाहे वो मस्जिद का इमाम भी दंगा करने आएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, पहले मेरी लाश पे से उसको गुजरना होगा। अगर आप माहौल खराब करना चाहते हैं, दंगाइयों सुन लो कान खोल कर, चाहे टोपी लगा के आओ, चाहे तिलक लगा कर आओ, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तिलक लगाने से हिंसा मिट जाती है तो मैं तिलक लगाने के लिए तैयार हूँ, और अगर बलराम नाम रखने से हिंसा रुक जाती है तो मेरा नाम बलराम भी रख दीजिए, मेरा नाम हीरा पंडित भी रख दीजिए, मेरा नाम सचिन गुप्ता भी रख दीजिए, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए पूरे देश में। एक बार देखिए, ये हैं हीरा पंडित जी, ये हैं सलीम साहब जी, चेहरे पे डाली है और उनके इनके सर पे टोपी है, उनके माथे पे तिलक लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि एक बार प्यार से आप लोग गले लिए। वाह भाई, वो जहर उगल कर चला गया, मेरा शहर जला कर चला गया, वो माँ की ममता क्या जाने जो एक माँ को जिंदा जला गया, वो घर की कीमत क्या जाने, आंगन की रौनक क्या जाने, वो तो अमन का दुश्मन है जो लहू बहाकर चला गया। अभी हम मौजूद हैं मजिदिया के उस ग्राउंड में जहां पर लोग क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलने वाले हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, और वो बच्चे जो कल के भविष्य को संभालेंगे वो लोग इस मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, और इसी क्रिकेट के मैदान में आज वो लोग भी मौजूद हैं जो इस नफ़रत की लगी आग में अपने मोहब्बत के आंसुओं से इस आग को बुझाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे संगम विहार और आसपास के तुलगाबाद के एरिया के लोग आए हैं, दिग्गज लोग हैं, सभी वो लोग वो मैसेज देना चाहते हैं जिससे अमन सुकून चैन माशरे के अंदर लगातार बनी रहे। आइए, हमारे साथ बहुत सारे लोग, हम बात करते हैं सबसे पहले वसीम भाई, एक अच्छी खासी टीम लेके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो आज यहाँ पर लोग इकट्ठा किए हैं, आपने सारे नौजवान हैं, जी जी जी, मिश्रा जी भी हैं, जी जी, सभी लोग हैं, तो किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं इस माहौल में? देखिए, आपको दो चीज़ों से बचना है, एक अफवाह से, जिस अफवाह की वजह से ये होता है, और ख़ास आपको ध्यान देना है, आज हर जगह आप देखते हैं एक मैसेज है कि नेताओं ने कराया ये। क्या नेताओं ने कराया है? उनके घर का कोई मरा है? मरी तो आवाम है ना। आज 42 लोगों की लाशें उठी हैं, समझे ना। क्या आपने कोशिश करी है जानने की उनके घरों के क्या हालात हैं, समझे ना। हमने यहाँ इकट्ठा होकर, मेरे साथ सचिन गुप्ता जी हैं, मेरे छोटे भाई हीरा पंडित जी हैं, मिश्रा जी हैं, हाशमी साहब हैं, सबों के बीच में संगम विहार में कल रात से एक अफवाह चल रही है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दंगे जैसे माहौल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबों से निवेदन ये है, अफवाहों पे ध्यान ना दें, भीड़ को इकट्ठा ना होने दें, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपसी भाईचारा हमने कायम रखना है। दंगे जैसे जहाँ पर भी माहौल होते हैं उससे हमारे को बचना है। सिर्फ ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं, सिर्फ इतना मकसद है यहाँ इकट्ठे होने का। वसीम भाई के जस्ट बगल में गुप्ता जी हैं, ये मुस्लिम परिवार संबंध रखते हैं और ये कि हिंदू परिवार संबंध रखते हैं, दोनों एक इलाके इलाके में रहते हैं, वो साथ में कांधे से कांधा मिला खड़ा कर खड़े हैं। ये है संगम विहार की सच्चाई, जो हकीकत है, अफवाह में ना है, जिस तरह से वसीम भाई ने बताया। गुप्ता जी, क्या विचार रखते हैं आप? सड़क पर हैं, रात दिन देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी दुकान में आते हैं, देखते हैं, तो आप क्या विचार रखते हैं सब चीज़ के बीच में? तो कहता हूँ गलत मैसेज ना जाए किसी में, सारे भाई प्यार से रहे, मिल के रहे, कोई ये गलत मैसेज था भी झगड़ेगा, उसके पीछे देखा भी तो कोई ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, माहौल हमारे इधर कुछ भी ऐसा नहीं है, ना हो। चलिए, हीरा पंडित जी हम मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर हम इनकी देखते हैं, काफ़ी सारे पोस्ट आते हैं, इनसे ही बात करेंगे। हीरा पंडित जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमारे पास आके ये टाइम दिया कि हम आप कि हम आपके थ्रू ये मैसेज जनता तक दे दें। दूसरी बात, संगम विहार की जनता से सिर्फ मेरा एक ही मैसेज है कि ये जो माहौल पूरी दिल्ली में ख़राब हो रहा है, कम से कम इतना तो हम संगम विहार के लिए कर सकते हैं, यहाँ के नागरिक होने नाते, कि अपने संगम विहार को उस आग में ना जलने दें। आपसी भाईचारा, मेरे कुछ फ्रेंड मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब हैं, लेकिन इस टाइम जो दंगा चल रहा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रहा है कि लाशें जो दिखाई गई, हिंदू फेसबुक चलाएगा तो उसको हिंदू लाशें दिखाई जाएंगी, मुस्लिम फेसबुक चला रहा है उसको मुस्लिम लाशें दिखाई जा रही है, लेकिन मर रहा है इंसान। तो लग रहा है आपको कि सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है इन दंगों में? मेन कारण तो सोशल मीडिया ही है। अभी मामुद्दीन भाई ने खुद बोला ये बात कि आइटम बम लेके घूम रहे हम जेब में अपनी, कि फेसबुक पे जो आदमी देखना चाह रहा है उसको वही दिखाया जा रहा है, उसको दूसरी चीज़ नहीं दिखाई जा रही है, और मर कौन रहा है? इंसान, मैं और आप। अब इस गली में दंगे, अगर जिस गली में हम रहते हैं वहाँ अगर कोई दंगा होता है, आज वो दंगा हो जाएगा, उससे जान माल की हानि हो जाएगी, कल को हमें रहना वहीं है, उन्हीं लोगों को दोबारा फेस करना है, दोबारा उन्हीं लोगों से मिलना है, लेकिन कल को अगर कोई दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है तो पूरी ज़िंदगी हमारे मन में ये खटास रहेगी कि उसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ। तो हमें उस खटास को ना लाने के लिए आपसी प्यार बनाए रखना पड़ेगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होकर, कि अगर जहाँ पर भी कोई दंगाई वाला माहौल लगता है कि दो चार लोग इकट्ठे होते हैं, उनको रोकना पड़ेगा। जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, जिन जो जल्दी भड़क जाते हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई आपसी प्यार रखो, कल को भी यहीं रहना है, यहीं रहे थे, यहीं रहेंगे और सदा साथ ही रहेंगे।
वसीम भाई यहाँ पे खड़े हैं, इमामुद्दीन भाई यहाँ पे खड़े हैं, हाशमी साहब आपके साथ में, तो ये सारे मुसलमान लोग हैं जी। माथे पे भगवा तिलक लगाए एक हिंदू व्यक्ति इन मुसलमान भाइयों से क्या कहना चाहेगा? कि सारे मेरे भाई हैं भाई, इन्हीं की वजह से। सुनो, जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मिसाल देना चाहेंगे इस मेजोरिटी को? यही तो एकता है हमारी कि एक इतने यहाँ पर जितने बंदे खड़े हैं, इन सब में लगभग अगर यहाँ 100 बंदे खड़े हैं, इनके अंदर 100 में से मुश्किल से 20 हिंदू होंगे, मुश्किल से 20। उसमें मैं इन सब में अलग से टीका धारी खड़ा हूँ इनके बीच में, तो इन लोगों का तो प्यार है। ये तिलक इन लोगों की देन है कि ये तिलक मेरे माथे में हमेशा रहे। ये बहुत बढ़िया, चलिए तालियां बजनी शुरू हो गई है। इमामुद्दीन भाई हैं, आप इनके पोस्ट पर कमेंट करते रहते हैं, आप दोनों लोग एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट करते हैं। आज साथ में खड़े हैं, दंगा हो चुका है, खून बह चुका है, कई सारी लाशें हैं, और वो दोनों परिवार हिंदू हो मुस्लिम हो सब हॉस्पिटल के उस क्षेत्र में बड़े शांति से एक दूसरे के कंधे पे कंधा रखकर रो रहे हैं कि हमारी औलादें मर गई, हमारा भाई मर गया, हमारा बेटा मर गया। इमामुद्दीन भाई, तिलकधारी आपके बगल में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे और उन दर्शकों से जो देख रहे हैं अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मुझे बेहद अफसोस है, इस देश का नागरिक होने के नाते जो भी लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे घर के और मेरे परिवार के सदस्य थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुस्लिम थे। तो उस बात का मुझे बहुत दुख और अफसोस है और हमेशा रहेगा। मेरे अपने जीवन काल में ये पहला हादसा है जो मैंने लाइव देखा है कि ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं और इस तरीके से भावनाओं में बह के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज जो लोग हॉस्पिटल के बाहर अपने अपने समुदाय के अपने अपने रिश्तेदारों की बॉडी लेने के लिए इंतज़ार में बैठे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हैं, मैं उनको देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि वो जो मर गए हैं वो नादान थे, जो एक दूसरे को मार गए। शायद मैं चाहता हूं कि उनकी रूह देख रही होगी तो अब उनकी रूह को बहुत अफसोस हो रहा होगा कि हम किस मकसद के लिए और क्यों बेवजह लड़े और हमने एक दूसरे को मारा, क्यों मारा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो ये भावनाएं भड़काई जा रही हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि चलता फिरता हमारे हाथों में जो हम मोबाइल लेके रखते हैं ना, युवा पीढ़ी जो इस तरह और भाग रही है, उसकी वजह शायद ये है। जहाँ तक इसका इस्तेमाल हमें करना है कि कैसे करना है, लेकिन क्या है कि इस पर जो दिखाया जाता है, हीरा भाई ने बोला कि जो इस पर दिखाया जाता है वही हम देखते हैं। हमें अपना नज़रिया बदलना होगा, हमें गलत को गलत और सही को सही कहना होगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर एकता बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे को जो मार काट की ये भावनाएं चल रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। और मैं संगम बिहार निवासियों के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि जी, जो हमारे संगम बिहार में इस टाइम अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की बातें निकल निकल के आ रही हैं, वो सारी गलत हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, पता नहीं मुझे कि कौन लोग हैं वो जो इस र्यूमर को फैला रहे हैं, अफवाह में ना आए, एक दूसरे से प्यार बना के रखें। भीड़ इकट्ठा है, जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए, कि अमन का पैगाम इस मुद्दे को लेकर जो सब लोग यहाँ पर नौजवान खड़े हैं, उनके बीच में एक आपको हाशमी साहब नज़र आ रहे होंगे, जो उम्र में सबसे बड़े हैं। इन्होंने बहुत दुनिया देखी और इनके आगे सारे छोटे ही हैं, तो इन जो ये आज की जो युवा पीढ़ी हैं, इनको हाशमी साहब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले जिस लीडर ने इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने की शुरुआत की, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी में इन्वॉल्व लीडर हो, किसी पार्टी का भी। और दूसरी चीज़ ये कि जो इस वक्त जहर घोल करके जिसका रिएक्शन इतने दिल्ली में पूरे हमारी राजधानी में फैला हुआ है, जिससे कितने लोगों के जान का नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ, कितने इंसिडेंट हो गए, मैं उनके लिए सबके लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि उनकी सेहत और अच्छी वो दोबारा आए, अच्छी सेहत हो, और सबके लिए मैं इस दुखद घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ मैसेज देना कि दोबारा ये चीज़ क्रिएट ना हो, इनको सज़ा बहुत ज़रूरी है देनी, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो इस तरह का जहरीला भाषण देने के लिए, कि जिससे ये प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो। बहुत बहुत शुक्रिया, ये अच्छी चीज़ है कि ताकि जिन लोगों ने कुछ किया है उनको सज़ा मिले, ताकि उनकी दोबारा हिम्मत ना हो। साथ में दो लोग खड़े हैं, मिश्रा जी हैं, खान साहब, अच्छा बलराम सिंह जी हैं, और ये हैं खान साहब मोहम्मद शमीम, दोनों लोग एक साथ खड़े हैं और एक ही मार्केट के लोग हैं ये लोग। तो इन लोगों में कितना दंगा है बात करते हैं, आप चाहते हैं कि इन्हें काटा मारा जाए? नहीं, हम क्यों चाहेंगे, तो हमारे पड़ोसी हैं, भाई हैं, भाई एक ही मार्केट के दोस्त हैं हम लोग, मार्केट में रहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो इतनी सारी जो मौत हुई, तो आप नहीं चाहते कि मतलब? बिल्कुल भी नहीं, ये भाई हमारे हीरा पंडित जी हैं और सचिन गुप्ता जी हैं और बलराम जी हैं, ये बलराम सिंह जी, और भी बहुत सारे भाई हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हम लोग आपस में भाई हैं, संगम विहार हो या दिल्ली हो या देश हो, हम लोग एक हैं और एक ही साथ रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे?
हम यही कहना चाहेंगे कि अफवाहों में ना आए, जो अफवाहें चल रही हैं कि 16 नंबर गली में दंगे हो गए, वहाँ लड़का मार दिया, आई ब्लॉक में पुलिस लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। अमन कायम रखें और अपना भाईचारा बना के रखें, क्यों एक घर अगर बगल में एक दुकान मुस्लिम की है और एक हिंदू की, अगर हिंदू की में आग लगाई जाएगी तो आग नहीं बक्सेगी, वो आग तो मुस्लिम की भी तपिश है, वो इधर उधर तो पहुँचेगी, वो तो मुस्लिम की वो जलाएगी, वो जाति और धर्म नहीं देखेगी। तो मेरा यही कहना आप सबसे, यही पूरे संगम बिहार वासियों से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपना भाईचारा बना के रखें और गलत अफवाहों में ना आए। अगर कोई चीज़ जैसे मान लो कि तिलक लगाने से हिंसा मिट जाती है तो मैं तिलक लगाने के लिए तैयार हूँ, और अगर बलराम नाम रखने से हिंसा रुक जाती है तो मेरा नाम बलराम भी रख दीजिए, मेरा नाम हीरा पंडित भी रख दीजिए, मेरा नाम सचिन गुप्ता भी रख दीजिए, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए पूरे देश में। एक बार देखिए, ये हैं हीरा पंडित जी, ये हैं सलीम साहब जी, चेहरे पर डाली है और उनके इनके सर पर टोपी है, उनके माथे पर तिलक लगा हुआ है। मैं चाहूँगा कि एक बार प्यार से आप लोग गले मिल लीजिए। भाई वाह, चलिए वाह भाई, चलिए ये देखिए, ये हुई, ये चीज़ थी। ईद तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह ईद ऐसे ही मनती रहेगी जैसे अब तक पहले तक मनती आई है, और दीपावली भी वैसे मनती आएगी जैसे पहले तक मनी है, और अब तो और बेहतर मनेगी, क्योंकि जो शैतान थे वो शैतानी करके चले गए, लेकिन जो असली मोहब्बत थी वो अब जरूर जागेगी इस पूरे देश के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ तैयब भाई भी हैं जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी थोड़ा सा समझते हैं कि लॉ क्या कहता है, क्या कहता है संविधान ऐसे लोगों के लिए। देखिए, संविधान पहले किसी को हिंदू और मुस्लिम की तरीके से नहीं देखता, इंसान की तरह देखता है। अभी आप कुछ करेंगे या मैं कुछ करूंगा, ये कुछ करेंगे, कानून एक है हम तीनों के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सबको सोच समझ के रहना चाहिए, हम सब भाई हैं, हमें साथ में रहना है। पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, हमें साथ में रहना है, हमें एक साथ रहना है, ईद बकरीद साथ में मिलानी है। आखिरी बार बात करेंगे, ये संगम विहार के जाने माने चेहरे हैं, तो संगम विहार में बड़ी 2-3 दिनों से अफवाह फैल रही है, तो एक बार फिर से उन चेहरों को देख लीजिए जो संगम विहार में अक्सर हर चौराहे पर, हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको नजर आ जाते हैं, और हर चीज़ में सुख हो दुख हो लोगों के साथ नज़र आते हैं। तो एक बार कुछ भी हो, इन लोगों से समझते हैं कि जो अफवाह फैल रही है उसमें कितनी रत्ती बराबर भी सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, और गौर करने की बात यह है कि जो लोग इंजर्ड हैं, ठीक है, क्या दंगे के बाद उन्होंने ये तय करा है कि इलाज मुस्लिम से या हिंदू से कराना है? इलाज जब वो कराने जा रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रूम के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं, जो अपने बच्चों की, अपने अजीज़ व अकारीब की जो लाशें लेने आए हैं, क्या उन्होंने कभी बोला कि ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है और ये जो पोस्टमार्टम करेंगे ये हिंदू और मुसलमान होने चाहिए? भाइयों जाग जाइए, आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत नुकसान के बाद अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। आग ने जो जला दिया वो जला दिया, जो बचा है उसको तो संभाल लो मेरे भाइयों। और ख़ास एक पैगाम देना चाहूँगा संगम विहार की आवाम को, जो दंगाई होंगे, चाहे वो तिलक वाले होंगे या टोपी वाले होंगे, जी ब्लॉक गली नंबर 8 से एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मेरे किसी हिंदू भाई की तरफ, चाहे वो मस्जिद का इमाम भी दंगा करने आएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, पहले मेरी लाश पे से उसको गुजरना होगा। अगर आप माहौल ख़राब करना चाहते हैं दंगाई हो, सुन लो कान खोल कर, चाहे टोपी लगा के आओ, चाहे तिलक लगा कर आओ, किसी इंसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी तो मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। समझे आप, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, हमारी विचारधारा का झगड़ा है, हम अलग अलग पार्टी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमियत ये रखता है किसी एक इंसान को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को गीता और कुरान की तालीम दिए। समझे आप, कुरान कहता है लाइक रहा फिर दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। समझे, अपनी औलादों को रामचरित मानस पढ़ाइए, उसमें राम जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तन तैसी। तो जब आप इस पर अमल करने लगेंगे, ये दंगाइयों की किताबें पढ़ाना बंद कर दीजिए, आप अपने बच्चों को गीता कुरान पढ़ाइए जिससे अच्छा मैसेज जाए, अवाम एक दूसरे की मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी एहसास जिंदा है, अभी जज्बात जिंदा है, इन जुल्मकारों से क्या घबराना, अभी हिंदुस्तान की मोहब्बत जिंदा है। इन सभी से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन अब जो चीज़ें होंगी वो और तब्दील वाली होंगी, बेहतर होंगी इंशाल्लाह, चीज़ें और बेहतर होंगी। आप सभी से गुजारिश है कि किसी तरह की भी अफवाह में ना आए, क्योंकि संगम विहार में जिस तरह से अफवाह लगातार 2-3 दिनों से फैलाई जा रही है कि 16 नंबर में कुछ हो गया, पीपल की तरफ कुछ हो गया, तुगलकाबाद में कुछ हो रहा है, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। संगम विहार के अधिकतर जाने माने चेहरे यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने आपकी बातचीत कराई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की अफवाह में ना आए, और अगर कुछ गलत देखे तो तुरंत 100 नंबर कॉल करके पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करें। बहरहाल आप देख रहे थे समाज संवाद, मैं मोहम्मद मुशरत, कैमरामैन जुनैद के साथ।